वीडियो पे जहां मेरे को भी फोटो पे ही यार फिर अरे हनुमान भागेगा भैया नाम क्या उसका ओपनिंग ओपनिंग चाबी तो डिक्की में रखी है माइक कल एक्सीडेंट हुआ लट्टी का मोहन कहाँ कहाँ पर हुआ सर वो छन्नी हिम्मत अच्छा ठीक है कैंप के पास सर वहाँ से हमको खबर मिली कि मोनू का एक्सीडेंट हो गया है उसकी डेथ हो चुकी है तो आप आगे मैंने सिटी आके उसकी डेड बॉडी ले जाएंगे सर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से डेड बॉडी भेज दी थी बक्शी नगर ओके बक्शी नगर सर हम आए तो बक्शी नगर में आके हमने जो भी है डॉक्टर से बात की हमने बोला कि सर हमें डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी वो बोल रहे थे कि अभी पॉस्टमार्टम होना है डेड बॉडी का तो अभी डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो मैंने बोला कि सर हमने बोला कि कब तक सर डेड बॉडी हमें फिर भी मिल जाएगी बोले कि अभी ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है तो हम कल ही आगे फिर 10 बजे आपको डेड बॉडी दे देंगे जो भी काम करेंगे क्या क्या सर वो फ्रेंड था वैसे तो दूरी का मसूद है सर फ्रेंड तो कितनी उम्र थी मोनू की सर मोनू की थी सर कोई वैसे तो बता रहे थे आधार कार्ड में 22 साल एज बता रहे लेकिन 22 साल एज नहीं थी सर उसकी वैसे पुलिस तो पुलिस कोई कर्मी नहीं आया सर हमने बोला था सर हमें बोला गया था कि 10 बजे आके आपको डेड बॉडी हम सौंप देंगे आके यहाँ पे आके जो भी है पोस्टमार्टम कर देंगे सर अभी ना पोस्टमार्टम का पता लग रहा है ना सर डेड बॉडी का पता लग रहा है सर ना पुलिस वाले कोई आए हुए हैं जो उनके जहाँ पे वो जॉब करता था सर जो भी काम किया क्या था सर वो टायर वगैरह का काम करता था कहाँ पर करता सर ये ट्रांसपोर्ट में काम करता था तो वहाँ पे आके सर वो जो मालिक थे उनसे वो भी आए थे कल कल के बाद फिर वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं ना कोई पुलिस वाला दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे ना फिर कोई डॉक्टर वगैरह दिखाई दे रहा है सर पैंडल पे तड़प दिया सर एक्सीडेंट क्या हुआ था सर अच्छा कौन सी पैशन थी सर अच्छा पैशन मेरा दोस्त लगता है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हम सुबह 8 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं कल शाम को यहाँ पे 5 बजे डेड बॉडी आई हुई है बोल रहे थे कल सुबह आना 10 बजे ले जाना कोई हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है बस हम यही चाहते हैं बच्चे की डेड बॉडी आए उसकी फैमिली रो रही है उसका भाई रो रहा है उसकी बहन रो रही है उस बच्चे के ना माँ है ना बाप था पहले उनका एक्सपायर हो गया है बस हमारी यहाँ की सरकार से अपील है उस बच्चे की डेड बॉडी मिल जाने हम बहुत परेशान है सर अब क्या कहें सर हम आपको बहुत परेशान है सर बस बच्चे की डेड बॉडी मिल जाने सर भाई ये अपील हमारी 35 हुए हैं 12-35 हुए हैं अभी जहाँ पे आईओ भी आ गए हैं कंसर्न अधिकारी भी आ गए हैं अभी जहाँ पे पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा इनको आधे घंटे के बीच में डेड बॉडी दे दी जाएगी अंतिम संस्कार करने के लिए क्वेश्चन ये है कि नरवाल या छन्नी जहाँ से पुलिस जहाँ पे पहुँची है जहाँ पे ये हादसा पेश आया था तो इतना टाइम क्यों लग गया अगली इनकी कार्रवाई यही होगी कि अगर जहाँ पे ये एडमिट रहा हुआ 1-2 घंटे जो एडमिट पेशेंट होता है उसकी फाइल जहाँ पे बनी जाती है और फाइल जो होती है वो वहाँ पे डिपार्टमेंट में रखी जाती है फिर उस डॉक्टर को ढूंढा जाता है फिर फाइल आपको मिलेगी उसके बाद फाइल ऐसे भी नहीं मिलेगी आपको सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे अपना आई कार्ड रखना पड़ेगा फिर वो टाइम गया आपका फिर फाइल लेके आप जहाँ पे पहुँच गए आप अटेंडेंट जो होंगे उनके उनको कहोगे कि जाओ दे इसकी फ़ोटो स्टेट कापी करवा के लाओ बाहर से वो फ़ोटो स्टेट कापी करवा के लाएगा फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाएगा फिर उनको कहेगा कि ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं 4 डिब्बे लाओ 6 डिब्बे लाओ क्योंकि जो सैंपल रखने हैं वो प्लास्टिक के डिब्बे में रखे के उनको FS में भेजा जाएगा क्या आपके पास जहाँ पे फोटो स्टेट मशीन लगाने के लिए पैसे नहीं है।